सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो, बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकती हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप जब तक अपने अतीत को याद करते रहेंगे भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाएंगे, इसीलिए अतीत को छोड़कर भविष्य पर ध्यान दें। आज का पंचांग 16 मार्च 2024 दिन शनिवार, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 9:38 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र शाम 4:05 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:36 से 11:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 4:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मकर राशि 16 मार्च 2024 दिन शनिवार, आज बहुत सृजनात्मक अनुभव करेंगी। खूबसूरती की प्रशंसा के साथ साथ खुद भी कुछ खूबसूरत चीज बनाना चाहेंगी। दिन कलाकारों के लिए विशेष अच्छा है। हालांकि आज शुरू किए हुए कार्यों को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि अचानक आप विकर्षित सा अनुभव करने लगेंगे। यह भावना काफी सामान्य है, लेकिन आप इसके कारण बिना बात निराश सा अनुभव करेंगे। किसी सुखद घटना से दिन शुरू होगा। आप ऊर्जावान और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। रहन सहन को और अधिक उत्तम बनाने हेतु कुछ संकल्प करेंगे। युवाओं को इंटरव्यू आदि में सफलता मिलने से मानसिक सुकून भी रहेगा। नए खरीदारी के बारे में सोच विचार करेंगे। जब तक बातें पूरी तरह से नहीं होती है, तब तक इन बातों की चर्चा बाहरी व्यक्तियों के साथ न करें। नकारात्मक सोच का प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है। परिवार संबंधी समस्या जल्दी ही दूर हो सकती है, इसलिए सकारात्मक रहें। आपके काम को सराहना मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को बढ़ोतरी मिलेगी। पार्टनर के साथ वक्त बिताने की कोशिश करते रहें। बालों से संबंधित समस्या होने से तनाव बढ़ेगा, डॉक्टर से चर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। आज के दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कार्यक्रम में आपकी कोई बात बनते बनते बिगड़ सकती है, जिससे आपका मन परेशान रहेगा। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। पिताजी की कोई पुरानी कान से संबंधित समस्या फिर से उभर सकती है। आपको संतान के मन में चल रही उलझनों को जानने की कोशिश करनी होगी और आपको कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से किसी काम को लेकर मदद लेनी पड़ सकती है। आप अपने धन का कुछ हिस्सा किसी योजना में भी लगा सकते हैं। सावधानियां, ऑनलाइन खरीदारी में आपके साथ धोखा हो सकता है। अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि कोई भी दस्तावेज किसी को ना दे। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें, वाहन से संबंधित खर्चे बढ़ेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आपका साथी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। लालसा और अकेलेपन का आज अंत होगा। आप अपने रिश्ते में एक कदम आगे की ओर बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन अपने साथी के साथ इस बारे में विचार विमर्श कर ली, क्योंकि ये साझा है। जल्दबाजी करने से बचे, क्योंकि ये प्यार आपको अपनी मेहनत और अथक प्रयासों के कारण मिला है। आपके साथी के इर्द गिर्द कुछ साजिश की बू आ रही है। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए नहीं कि वो खर्चे दूर नहीं किए जा सकते थे, बल्कि इसलिए कि आप उन खर्चों को करना चाहते थे। यह ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं, जो कि बुद्धिमानी वाला काम है। लेकिन आज आप अपने या अपनी किसी खास व्यक्ति जो आपके बहुत निकट हैं, उसके लिए किसी छोटी सी पार्टी का आयोजन भी कर सकती हैं। व्यवसाय से संबंधित कोई सरकारी मामला आज हल हो सकता है, साथ ही आय की स्थिति भी बेहतर रहेगी। महिलाएं विशेष रूप से अपनी करियर के प्रति सजग रहेंगी। ऑफिस में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे जोर से कोशिश करें, तरक्की भी संभव है। बात करती है सेहत की।
कार्यस्थल पर बढ़ रहे तनाव से आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जैसे माइग्रेन, चिंता, सिरदर्द और हाइपरटेंशन जैसी तकलीफें हो सकती हैं। इन सब से बचने के लिए आपको अपने दिन की शुरुआत ध्यान, सांस की एक्सरसाइज और अन्य रिलैक्स करने वाली तकनीकों से करनी चाहिए। खूब सारा पानी पिए और जंक फूड से दूर रहे, क्योंकि ये केवल आपके तनाव को बढ़ाएंगे। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।